हाँ तो मैं पिछली बार वीडियो में बता रही थी कि आर्टिकल जो मतलब होता है कि वन वन नाइन होता है तो ना उसमें ऐसा होता है कि जैसे मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना तो जिन लोगों के मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और वो टाइम पे नहीं देते हैं पासपोर्ट तो अब सबसे बड़ी बात है ना पासपोर्ट अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ भी आया है हम फिर भी अरेंज कर सकते हैं वर्क ढूंढ सकते हैं पीसीसी है या कुछ है पर पासपोर्ट अगर आपका स्टक हो गया है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने मेरे मैंने अपने हस्बैंड का जो पास पासपोर्ट जो है एक बार रिन्यू करवाया था ना तो उसमें कुछ मिस्टेक की वजह से ना एग्जैक्ट वन ईयर लगा था पूरा एक साल लग गया था इंडियन एम्बेसी से पासपोर्ट निकालने के लिए निकालने के लिए इन सेंस की मतलब मैंने उन्हें थाउजेंड ईमेल की ऐसे ऐसे बताया इश्यूज़ बताए ऐसे करके आपको ईमेल कर रहे हैं वहाँ पे विजिट किया बच्चों के साथ अपने दो छोटे छोटे बच्चे उस टाइम और छोटे थे वो है ना और हेडेक होती है मतलब ऐसे नहीं हम वहाँ से इंडियन एम्बेसी से थोड़ा सा अगर बाय बस या मेट्रो आते हैं तो बहुत दूर है अगर हाँ उबर से आते हैं तो आई थिंक गाड़ी से आते हैं तो फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं ठीक है बट इट्स यू नो एक तो आपको अपने लिए खुद फाइट करना पड़ेगा अगर आपका पासपोर्ट नहीं आ रहा है तो वन वन नाइन में आपके ना पूरा केस रिजेक्ट हो जाता है कि इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए और वो एक तरह से क्राइम में भी आता है कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है अभी किसी दूसरी कंट्री में है कैसे आए हैं क्या हुआ लॉस हो गया नहीं बना क्यों सो मैनी थिंग्स तो आपको इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी वहां जाना पड़ेगा ई मेल्स करनी पड़ेगी फोन करना पड़ेगा कोई लिंक्स निकालने पड़ेंगे वहां जाके कुछ बैठो बाहर जो करना पड़ेगा करो लेकिन पासपोर्ट